एलियंस के बारे में गीतात्मक बातें करना आसान है। दूसरे ग्रहों पर जीवन की संभावना ने हमारी संस्कृति को आकार दिया है और किताबों, टीवी शो, फिल्मों और निश्चित रूप से अजीबोगरीब षड्यंत्र सिद्धांत को प्रेरित करना जारी रखा है। लेकिन छोटे हरे आदमियों के सभी काल्पनिक दृश्यों के बीच अभी एलियन जीवन की वास्तविक खोज चल रही है और यह कोई सीमांत विज्ञान या विवादास्पद विचार नहीं है। यह एक व्यवस्थित प्रक्रिया है जिसे वैज्ञानिक अपना रहे हैं, जिसके परिणाम एक दशक में ही आने की उम्मीद है। अधिक सटीक रूप से कहें तो वर्तमान में एलियन जीवन की खोज के लिए कई खोज चल रही हैं। मंगल ग्रह पर एक रोवर नमूने एकत्र कर रहा है जो यह निर्धारित कर सकता है कि क्या कभी लाल ग्रह पर जीवन था। रहने योग्य होने के संकेतों की खोज के लिए जांचकर्ता हमारे सौर मंडल के कुछ बर्फीले चंद्रमाओं का दौरा कर रहे हैं। खगोलविद हमारे अपने सौर मंडल से परे ग्रहों के वायुमंडल की भी खोज कर रहे हैं ताकि एलियन जीवन का संकेत देने वाले तत्वों के कॉकटेल का पता लगाया जा सके। और हाँ, हम किसी भी बुद्धिमान सभ्यता से संकेतों पर भी नजर रख रहे हैं जो जानबूझकर या गलती से संपर्क कर सकते हैं। ब्रिटेन के खगोलशास्त्री लॉर्ड मार्टिन रीस का कहना है कि 10 साल में हमें इस बात के कुछ सबूत मिल जाएंगे कि क्या आसपास के कुछ ग्रहों पर कुछ कार्बनिक पदार्थ है। अगर एलियन जीवन मौजूद है तो यह आसानी से ज्ञात नहीं हुआ है। सेटी नामक अलौकिक बुद्धिमत्ता की खोज के शुरुआती प्रयास 20वीं सदी के मध्य में शुरू हुए जब खगोलविदों ने अन्य ग्रहों पर रेडियो संकेतों की खोज की, लेकिन वे असफल रहे। मंगल, जिसके बारे में 19वीं सदी के अंत में माना जाता था कि वहां जीवन को आश्रय देने वाली नहरें और नदियां हैं, पाया गया कि यह ज्यादातर सूखा बंजर भूमि है। इस बीच अन्य तारों के आसपास के ग्रह इतने छोटे थे कि उन्हें ढूंढना मुश्किल था। उनके बारे में ज्यादा जानना तो दूर की बात थी। एलियन जीवन की खोज के लिए हमें इसे खोजने के तरीके को ठीक से समझना होगा। हमारे सौर मंडल में मंगल ग्रह वर्तमान में जीवन की खोज के लिए सबसे लोकप्रिय स्थान है। हम जानते हैं कि अरबों साल पहले यह ग्रह संभवतः गीला और संभावित रूप से रहने योग्य था। इसकी सतह पर समुद्र और झीलें थीं। हाल ही में वैज्ञानिकों ने इस बात के भी आकर्षक संकेत पाए हैं कि मंगल ग्रह पर अभी भी तरल पानी हो सकता है जो ग्रह की दक्षिणी बर्फ की परत के नीचे छिपा हुआ है। वर्तमान में नासा का परसिवियरेंस रोवर अब सूखे हुए तल से नमूने एकत्र कर रहा है जिसे कभी जेजेरो क्रेटर नामक क्षेत्र में झील माना जाता था जो कि मंगल ग्रह की भूमध्य रेखा के ठीक उत्तर में है। इसका लक्ष्य दर्जनों नमूने एकत्र करना और 2030 के दशक की शुरुआत में इन्हें पृथ्वी पर वापस लाना है। एक मिशन जिसे मार्स सैंपल रिटर्न के रूप में जाना जाता है जहां जीवन के संकेतों के लिए उनकी विस्तार से जांच की जा सकती है। मिशन वर्तमान में कठिनाइयों का सामना कर रहा है। वापसी पहलू को वित्त पोषण के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है, लेकिन अगर वे इसे पूरा कर पाते हैं तो वैज्ञानिक धन की प्राप्ति होगी। अगर हमारे पास मंगल ग्रह से नमूने हैं तो हम इन प्रक्रियाओं का अध्ययन करने के लिए सूक्ष्म विवरण में जा सकते हैं। यह संभव है कि कुछ नमूनों में चट्टानों के अंदर जीवाश्म सूक्ष्म जीव भी हो सकते हैं, लेकिन अगर मंगल ग्रह पर जीवन के संकेत भी मिल जाते हैं तो यह ब्रह्मांड में कहीं और व्यापक रूप से मौजूद एलियन जीवन का स्पष्ट प्रमाण नहीं होगा। मंगल और पृथ्वी के बारे में यह ज्ञात है कि उन्होंने अपने इतिहास के आरंभ में सामग्री साझा की थी, जिसका अर्थ है कि उन्होंने जीवन की उत्पत्ति भी साझा की होगी। वैज्ञानिक सौर मंडल के बर्फीले चंद्रमाओं जैसे बृहस्पति के यूरोपा और शनि के एनसेलाडस की ओर देख रहे हैं, जिनके बारे में माना जाता है कि उनकी जमी हुई सतहों के नीचे विशाल महासागर हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर हमें बर्फीले चंद्रमाओं पर जीवन मिल जाए तो हम निश्चित होंगे कि यह पृथ्वी से अलग जीवन की उत्पत्ति है। खगोलविद अब इनमें से कुछ ग्रहों की बारीकी से जांच करने लगे हैं। अगर हमें एलियन जीवन के सबूत मिलते हैं, चाहे वह हमारे सौर मंडल में हो, किसी एक्सोप्लैनेट पर हो या किसी बुद्धिमान सभ्यता से, तो यह सबूत बहुत आसान नहीं होगा। यह एक क्रमिक प्रक्रिया होगी जिसके बाद जीवन सबसे संभावित स्पष्टीकरण प्रतीत होगा। एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक क्वांच कहते हैं
कि जितनी अधिक जानकारी आपके पास होगी उतनी ही अधिक आप झूठी सकारात्मकता को खारिज करने की स्थिति में होंगे। इस प्रकार एलियन जीवन की खोज एक निर्णायक क्षण नहीं हो सकता है। रीस कहते हैं कि इस संभावना पर जनता की क्या प्रतिक्रिया होगी, यह एक दिलचस्प सवाल है। अगर यह अस्थायी है तो वैज्ञानिकों को इसे स्पष्ट कर देना चाहिए। वे कहते हैं उम्मीद है कि यह किसी भी समाचार पत्र की रिपोर्ट में परिलक्षित होगा। हाल के उदाहरणों में शुक्र ग्रह पर फॉस्फीन और एक एक्सोप्लैनेट पर डाइमिथिल सल्फाइड का पता लगाना शामिल है। दोनों ही जीव विज्ञान के संकेत हैं जो बेहद अनिश्चित हैं। दूसरी संभावना यह भी है कि ये सभी खोजें खाली साबित होंगी। यह अपने आप में एक दिलचस्प वैज्ञानिक परिणाम होगा। क्वांस कहते हैं कि शून्य परिणाम आपको जीवन के बारे में कुछ बुनियादी रूप से महत्वपूर्ण बातें बताता है। शायद यह वास्तव में दुर्लभ है। वैसे दोस्तों, आप लोगों का इसके बारे में क्या राय है मुझे कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को एक लाइक जरूर करें। और हाँ, हम फिर मिलेंगे ऐसी ही मजेदार वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।